नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का अपना सेशन है वो कम उम्र में फेस पे रिंकल्स क्यों आते हैं, यानी कि एक उम्र के साथ साथ तो स्वाभाविक है कि हमारी उम्र दिखती है और उसमें रिंकल्स भी आती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी उम्र होने से पहले ही हमारे फेस पे बहुत सारी फाइन लाइन्स बन जाती हैं, यानी कि रिंकल्स बन जाती हैं। तो उसका कारण क्या है वो जानेंगे और उसके प्राकृतिक उपाय कुछ फेस एक्सरसाइज अपन करेंगे। तो इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सरोज चौधरी, मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले तो हमें इसके कारण जानेंगे कि कारण क्या है। तो फेस पे रिंकल्स आने के सबसे बड़ा कारण तो अपना होता है, जो मैं आपको हर किसी बीमारी या हर किसी प्रॉब्लम से का हर सेशन में ये बताती हूँ कि सबसे बड़ा कारण है अपना अनियमित जीवन शैली। अनियमित जीवन शैली के कारण हमारे हार्मोन्स डिसऑर्डर होते हैं, हर तरह की छोटी मोटी बीमारियाँ हमें हम निमंत्रण खुद देते हैं उनको। तो सबसे पहले तो अपने अनियमित जीवन शैली है जिसके अंदर अपन नींद पूरी नहीं कर पाते हैं, तो हमारा सबसे पहले फेस पे आता है। फिर दूसरा, मादक पदार्थों का अपन सेवन करते हैं तो इससे स्किन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तीसरा, अपनी ड्राई स्किन होती है, रूखी त्वचा होती है, तो इससे भी रिंकल्स रहता है। चौथा, अपना जैसे प्रेगनेंसी के कारण भी कई बार रिंकल्स हो जाते हैं, पानी कम पीते हैं, संतुलित आहार कम लेते हैं, तो ये इन सब कारणों के कारण अपना क्या होता है फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं। कम उम्र में ही रिंकल्स आ जाते हैं, हम केयर नहीं करते हैं। तो इनके जो प्राकृतिक उपाय हैं वो मैं ये बताती हूँ, ये सौंदर्य प्रसाधन है वो कम से कम यूज करने हैं, और संतुलित आहार, नींद पूरी करनी है, और ड्राई त्वचा के लिए आपको खाने के अंदर वो चीज़ें लेनी है जैसे चिकनाई युक्त पदार्थ होते हैं, जैसे दूध, दही और घी का सेवन करें। आजकल मैंने ये देखा है कि लोग बीपी हाई हो जाता है, मोटे हो जाते हैं, इस वजह से वो घी नहीं खाते हैं, जबकि घी में इतने सारे गुण होते हैं, हमारे मतलब हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो आप घी को खाइए, जिससे क्या होता है अपने बॉडी के अंदर चिकनाई बनी रहती है, अपने जितने भी जॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर चिकनाई बनी रहती है, जिसकी वजह से जो हमारे जॉइंट्स में कट कट की आवाज़ आती है, ड्राइनेस रहता है, जल्दी से ड्राई हो जाते हैं, तो वो समस्याएं भी नहीं होती हैं और फेस पे चिकनाई रहती है। अपन ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो उसमें वो सब चीज़ें नहीं होती हैं जितनी दूध, दही और घी में होती है। तो इन सब चीज़ों का पर्याप्त सेवन करें, पानी पर्याप्त मात्रा में लें, नींद भरपूर मात्रा में लें, और संतुलित आहार जो है मादक पदार्थों का सेवन कम से कम करें, क्योंकि मादक पदार्थ क्या होते हैं वैसे भी हमारी स्किन को धीरे धीरे अंदर से जलाते हैं, फिर अंदर से जलाने के बाद में जो अपनी ऊपरी या बाहरी स्किन होती है उस पर भी कालापन आता है और ड्राइनेस आता है, यानी कि काला कर देते हैं। तो इसके लिए आपको ये प्राकृतिक उपाय करते हैं। कुछ फेस मास्क हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे एलोवेरा जेल होता है, एलोवेरा जेल का गुदा निकाल करके आप अपने फेस पे यूज करें। सोने से पहले नारियल तेल की मसाज करें। अगर नारियल तेल से के अलावा आप और कोई तेल यूज करते हैं जो आपको सूट करता है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। पपीता का मास्क बना के आप लगा सकते हैं, और जिसकी ऑयली स्किन है तो उसको आप उसको क्या करना है कि नींबू से फेस को साफ करना है, और डायरेक्टली नींबू पे नहीं लगाना है, नींबू को फेस पे नहीं लगाना है, आपको निकाल करके निचोड़ करके नींबू का रस निकाल करके और कॉटन से धीरे धीरे लगाना है। 5-7 मिनट, 5-10 मिनट रखने के बाद में आपको वॉश करना है उसको। जो केमिकल युक्त क्रीम होती हैं जैसे फेस वॉश वगैरह हैं तो उनका उपयोग कम से कम करें आप। इससे क्या होती है स्किन में रूखापन आता है धीरे धीरे, और ड्राइनेस आकर के रिंकल्स होती है। इसमें केमिकल ही होते हैं, हम सोचते हैं कि इससे त्वचा अच्छी होती है, हमारे फेस की गंदगी चली जाती है, तो वो चीज़ नहीं जाती है। और स्क्रब नहीं यूज करना है, स्क्रब तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना। स्क्रब से क्या होता है कि आपकी जो स्किन होती है उसमें लाइनिंग सी बन जाती है, उसमें दाने दाने से होते हैं, तो स्क्रब तो आप कम से कम यूज करें। अब इसके अलावा कुछ फेस एक्सरसाइज और योग क्रियाएं हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप
अपनी लाइनिंग कहाँ होती है? अपने फोरहेड पे होती है। फोरहेड पे एक तो अपनी स्लीपिंग लाइन होती है और एक स्टैंडिंग लाइन होती है। इस तरीके से भी लाइनें बन जाती हैं और इस तरीके से भी लाइन बनता है। फिर अपने आँखों के आसपास एक नीचे लाइन होती है और ये वाली लाइनें होती हैं। दूसरा अपने यहाँ पे लाइन होती है, जो लाफिंग लाइन होती है वो बन जाती है। फिर नेक्स्ट लाइन जो होती है, नेक्स्ट जो चीज़ें होती है वो ये होती है कि अपने जो स्किन के इसके ऊपर की स्किन है वो थोड़ी नीचे लूज होकर के लटकने लग जाती है। और यहाँ का जो अपना ये जो अपर लिप्स है वो भी इस तरीके से लिफ्ट होने लग जाता है धीरे धीरे। तो इन सब की आपको डेली 10 से 15 मिनट पर, हालांकि मैंने फेस योगा शेयर किए हैं यूट्यूब पे, तो वो भी आप करें। और स्पेशली रिंकल्स के लिए भी मैं आज आपका जो सेशन में अपने जो एक्सरसाइज और कुछ मसाज है वो आपको कंटिन्यू करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जैसे अपना यहाँ से कटिंग हो जाती है स्किन, उसको अपन कैसे करें? इस तरीके से करें, इस तरीके से करके यूँ करना। इसको रोज आपको 10 से 15 बार करना है। फिर जैसे यहाँ से अपने लूज हो जाती है तो आपको फोर, ये जो चार फिंगर हैं, चार अंगुलियाँ हैं, इससे नाक को यहाँ से पकड़े, इन चार अंगुलियों से ऐसे करें। ऐसे दूसरी साइड में करना है। आपको चेहरे पे ऑयल लगा के करना है ये मसाज, बिना ऑयल के नहीं करना है। फिर ये जो दो फिंगर हैं उससे अपने यहाँ लाइनिंग बन जाती है, तो इसे सीधे यहाँ लेना है। फिर फोरहेड पे ये लाइनिंग हो जाती है, तो इससे इस तरीके से बनाएं। इसके पश्चात अपन क्या करेंगे, यहाँ से लें, ऐसे ही पकड़ना है थोड़ा सा नीचे से। ऐसे ही दूसरी साइड में थोड़ा सा नीचे से, यहाँ से इस तरीके से करेंगे। ये तो हमें हमारी फेस मसाज थी, ऑयल लगा के करना है। रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं, और सोने से पहले अगर करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। इससे
क्या होती है, स्किन की मसल्स खुल जाती हैं अपने फेस की, और जो ऑयल या मसाज करते हैं वो रात भर रहता है तो उससे सुबह तक ग्लो आता है। और मेरा सजेशन यही है कि आप कोकोनट ऑयल यूज़ करेंगे तो इससे स्किन पे भी ग्लो आता है। और इसके साथ साथ आप आलू और खीरा का रस निकाल करके और अपने फेस पे कॉटन से यूज करें, जिससे क्या होता है स्किन का कालापन धीरे धीरे दूर होता है। खीरा होता है वो वाइटनेस लाता है, और नारियल तेल भी वाइटनेस लाता है, तो वो भी आप यूज करें। अब अपन करेंगे कुछ योग क्रियाएं। योग क्रियाएं जो मैं पिछले सेशन में भी मैंने बताई है फेस योगा में, लेकिन हम यहाँ पे उनमें से ही रिंकल्स के लिए कुछ सेलेक्ट करके कर रहे हैं। तरीके से करना है, इसके बाद जैसे हमारे स्किन नीचे की तरफ लिफ्ट हो जाती है और यहाँ पे ये जो अपर लाइन है वो धीरे धीरे अपने नीचे की तरफ आने लग जाती है, तो इसके लिए करेंगे अपन इसको ऊपर करने के लिए। दूसरी साइड इसको आपको 5 से 10 सेकंड तक होल्ड रखना है। एक यहाँ पे रिंकल्स आ जाते हैं तो मैंने आपको बताया था, एक साइड में बैलून फुलाना है। यहाँ से मुँह फुलाना है इस तरीके से। यहाँ फेस आसपास में अपनी रिंकल्स हो जाती, फाइन लाइंस हो जाती, तो इसको क्या करना है, धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से यूँ करना है। इसी को ऐसे ऊपर करके ये जो रिंग फिंगर है इससे ऐसे करना। दूसरी साइड में भी ऐसे करना है। इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर की तरफ करें और रिंग फिंगर से यूं करें। हल्के हल्के हल्के
को एकदम हल्के तरीके हल्के से आपको घुमाना है। नेक्स्ट अपनी है आपको क्या करना है, स्कूल स्किन को इस तरीके से करना है पूरे फेस पे। हाँ ज़्यादा जोर से नहीं दबाना है। फिर जैसे अपने यहाँ पे लाइन नीचे की तरफ आ जाता है तो इसको अपन यहाँ पे टिप टिकाएंगे। इसको आप 15 से 20 सेकंड तक रखें। ये था अपना आज का सेक्शन जो फेस योगा से रिलेटेड था, यानी कि रिंकल से रिलेटेड था। हालांकि कुछ रिंकल्स होती हैं जो स्वाभाविक होती हैं, एज के अनुसार होती हैं जो आएंगी, लेकिन उम्र से पहले हमारे फेस पे लूजनेस और मतलब रिंकल्स आ जाती हैं, जिसके कारण हमारे फेस गद्दा लगता है, ग्लो नहीं रहता है। तो उसके निदान के लिए ये एक्सरसाइज है और इस पर आप 100% फर्क पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको संतुलित आहार, जो मैंने प्राकृतिक उपाय बताए हैं, अगर प्राकृतिक उपाय नहीं भी होते तो आप संतुलित आहार जरूर लें और अपनी नींद को पूरी करें। और जो फेस योगा है या योग क्रियाएं प्राणायाम है, इससे स्किन पे ग्लो रहता है, तो उसको भी आप लगातार करते रहें। आज का सेशन मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। अगले सेशन में फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।